नॉर्थ के एमएलए कनीस फातिमा मैडम को हागरगा के जो 50-50 के अंदर डेवलपमेंट में जो जीडीए का डेवलपमेंट का जो ऑर्डर आया हुआ है, तो कनीस फातिमा को जो है तमाम ओनर्स ने आज मुबारकबाद पेश की है और उनका शुक्रिया अदा किया है। और मैं तमाम लोगों को ये इत्तला देना चाहता हूं कि पहले तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हम लोग, उसके बाद जो भी हजरात इसमें काम किए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और बिलखसूस हमारे मैडम कनीस फातिमा और फराज इस्लाम और जो ये हमारी ओनर्स में जो टीम थी, जैसे हमारे इस्माइल भाई एंड टीम्स हैं, वाहिद अली फातेह खानी एंड टीम्स हैं, हमारे जो है जागीरदार साहब हैं, और जो है काफ़ी हजरात जो है इसमें मेहनत किए करके जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमें कामयाबी मिली है। कमरुल इस्लाम साहेब नंबिके वंदु और हिंदे माडिरुवंत केलस ಬಹಳ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದರು, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ನೀವೇನು ಎದೆ ಒಂದು ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ 100% ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ನಾವು ಕಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊತೆನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹೆಂಗೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಸಲ ಭೇಟಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೆ ಜಾನಿಬ್ ಸೆ ತೀನ್ ಅಹಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮೇರಿ ಮಿಯಾದ ಮೇ ಮೈನೆ ಉಸ್ಕೋ ಮಂಜೂರಿ ದಿ ಥೆ ಔರ್ ತಕರೀಬನ್ ಕಾಮ ಮೈನೆ ಇಮಾನದಾರಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮುಕಮ್ಮಲ್ ಕಿಯಾ ಥಾ ಜಿಸ್ಕೋ ದೋ ದಿನ ಪೆಹಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನೆ ಉಸ್ಕೋ ಮಂಜೂರಿ ದಿ ಹೈ ಮುಜೆ ಬಹುತ್ ಹಿ ಮಸರತ್ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ಖುಷಿ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ಕೆ ಯೇ ಜೊ ಅಹಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಥೆ ಜಿಸ್ಮೇ ಹಾಗರ್ಗಾ 50-50 ಜೊ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೈ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ವೋ ಉಸ್ಮೇ ಮಂಜೂರಿ ದಿ ಗಯಿ ಔರ್ ಸಾಥ್ ಹಿ ಸಾಥ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮೇ ಜೊ ಕಂಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರ್ ಆಪ್ ದೇಖ್ ರಹೆ ಹೈ ಕಿ ಕಿಸ್ ತರೀಕೆ ಸೆ ಬಾಹರ್ ಸೆ ಲೋಗ್ ಔರ್ ವಹಾಂ ಕೆ ಮುಕಾಮಿ ಜೊ ತರಕಾರಿ ಜೊ ಹಜರಾತ್ ಜೊ ಬೇಚ್ತೆ ಥೆ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಯೆ ಥೆ ತೋ ಮೈನೇ ಉಸ್ಕೋ ಪೂರಾ ಏಕ್ प्लान करके टेक्निकली उसको फिट करके जीडीए के जानिब से 2 एकड़ मैंने ज़मीन उस वक्त देने के लिए प्रपोजल दिया था, और गवर्नमेंट में उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट तमाम चीज़ें वो जा कर के रुक गई थी। और उसके बाद तीसरा जो अहम एक रेसिडेंशियल लेआउट था आउटरेट सेल जिसको यानी ज़मीन खरीद करके उसको जो लेआउट डालना था वो कुसनूर की 99 एकड़ जो लैंड थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर होकर उसका भी काम प्रोसेस में चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 3 अहम स्कीम थे मेरी मियाद के दौरान मैंने बहुत काफ़ी कोशिश की थी कि मेरे पीरियड में इसको अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, सिद्धरामैया की सरकार थी, और इसमें कई चीज़ें अमेंडमेंट भी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से लाई गई थी जिसको लेकर ज़मींदारों ने रजामंदी का इजहार किया था और फार्मर्स ने भी आगे आकर के हमारे साथ जीडीए के साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। लेकिन कमरुल इस्लाम साहब के इंतकाल के बाद जब वो काबिना से अलीदा हो गए और फिर कोरोना लॉकडाउन फिर सम्मिश्र सरकार आई तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्रोजेक्ट रुक गया। लेकिन मैं प्रशंसा करता हूँ, सताइश करता हूँ ज़मीन होल्डर्स की, हागर के खासकर लोगों की जो जिन्होंने 4-5 साल सबर का मुजाहरा करते हुए जीडीए के साथ लगे रहे और आखिर में यहाँ तक बात आई थी कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए, हमारी ज़मीन हमको दे दी जाए। लेकिन आखिर में मैं चीफ मिनिस्टर कर्नाटका श्रीमान बी.एस. येडियुरप्पा जी को और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं मुरुगेश निरानी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जो 3 अहम प्रोजेक्ट उन्होंने इसको ले करके बहुत ही अच्छे अंदाज में कैबिनेट में लेकर आके उसको पास किया। कुछ दिन पहले कर्नाटक के सरकार येडियुरप्पा नेतृत्व के सरकार कन्नी मार्केट और हागरका स्कीम को कैबिनेट के मंजूरी दी है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हागरका स्कीम हम करें बोल के, मैं कांग्रेस वाले को एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि उस वक्त 5 साल में वो कांग्रेस वाले पावर में थे, अधिकार में थे, उनके एमएलए थे, मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, जब मंजूरी क्यों नहीं दिए। मैं 6 महीने से मैं
गुलबर्गा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन से हैसियत से मैं चार्ज लिया हूँ। जब से मैं और अप्पूगौड़ा हमारा जो भी एमएलए है कल्याण कर्नाटक का डेवलपमेंट के चेयरमैन है और बाकी सब हमारा जो जीडीए मेंबर्स है विधायक जे जैसे बसवराज मत्तीमूड साहब है सुशील नमोशी है बीजी पाटिल साहब है सुनील अल्लापुर है और इवन नॉर्थ एमएलए श्रीमती कनिष फतिमा, पहले मीटिंग में हम डिस्कस कर रहे थे हागर का स्कीम में, क्योंकि मैं चेयरमैन होने के बाद जो लैंड ओनर से बहुत बार हमको मिले डेलीगेशन आके, नहीं बहुत साल से हम पेंडिंग है, बहुत हम थक गए फिर के, अब जल्दी हमको मंजूरी दे दो नहीं तो हमको जो लैंड है हमको वापस दो, हम बहुत परेशान हैं। ये लोग सब लैंड ओनर्स आके रिक्वेस्ट करते हम मीटिंग में फर्स्ट मीटिंग में करें कैसा भी करना है, ये स्कीम नहीं छोड़ना है बोल के, क्योंकि हमारे कहे हुए ये कांग्रेस का स्कीम है ये जेडीएस का स्कीम, ऐसा हम नहीं सोचते। इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक गुलबर्ग के पब्लिक में जो भी डेवलपमेंट के कार्यक्रम है वो हम कंटिन्यू करें, इसलिए ये हैगर का स्कीम भी जो पिछले छः महीने से जो हमारा एमएलए अप्पूगौड़ा साहब बहुत हमको यूडी मिनिस्ट्री में के पास रिक्वेस्ट करके और यूडी सेक्रेटरी को मिलके फाइनेंस सेक्रेटरी को मिलके और लास्ट चीफ मिनिस्टर को इनके रिक्वेस्ट करें ये स्कीम हमको अप्रूव कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है बल्कि उसकी वजह से। और लकीले हम उस वक्त पिछले महीने हमारा मुर्गेश नारायणी साहब हम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर बन गए, उनके उनको भी हमारा अप्पूगौड़ा सब हमारा विधायक रिक्वेस्ट करें ये अच्छा स्कीम है इसको एक बार कैबिनेट मंजूरी देना, क्योंकि तीन महीने से कैबिनेट में पेंडिंग था क्योंकि कोरोना के वजह से वो कैबिनेट नहीं हो गया था, जो भी कैबिनेट हो सिर्फ कोविड की वजह से होता, इसलिए तीन महीने पेंडिंग थे। हमारा जो अप्पूगौड़ा साहब मुर्गेश नारायणी साहब को रिक्वेस्ट करें अब इस बार कैबिनेट हो तो ये मंजूरी देना दोनों स्कीम को उस वक्त पर, उसकी वजह से मुरगानी साहब चीफ मिनिस्टर की तरफ बात करके वो मंजूरी दी है। और हागर का स्कीम में जो भी मैं कह सकते कि मैं आने के बाद ये स्कीम लाया हूँ मैं अप्रूव कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, ये जो डेवलपमेंट के लिए करना है पब्लिक गुलबर्ग के पब्लिक के गुलबर्ग के आम पब्लिक के लिए ये स्कीम है, इसलिए हम किसी वजह से ये स्कीम कैंसिल नहीं कर सकते बोल के। अब अभी पिछले महीने हमारा मीटिंग हुआ जब हगर का के लैंड ओनर सबको हमारे पास आए थे, अब टाइम दो क्या तो एक टाइम दो इसके अंदर आए तो ठीक है नहीं तो हमको लैंड वापस दो, एक महीने के टाइम लिए थे हम दिए थे वो लोगों को, उसके अंदर ही हम कैबिनेट मंजूरी दिए है। ये हगर का के स्कीम जो भी है किसका भी नहीं है, पब्लिक का है, पब्लिक पर्पज फॉर द पब्लिक फ्रॉम द पब्लिक, उसके लिए हम गुलबर्ग का आम का रिक्वेस्ट कर आम को सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हागर का स्कीम बहुत जल्द हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और सबको जो मिडिल क्लास है लोअर मिडिल क्लास है गरीब लोग वो लोगों के लिए ये स्कीम हम बनाएंगे जरूर, उसके थोड़े ही दिन में इसको जो हम स्कीम को स्टार्ट करके ये स्कीम को एक सक्सेस बनाएंगे।